फ्रेंड, आप लोगों को आज बताएंगे एमएस एक्सेल में सर्च लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेगा, एमएस एक्सेल को यहां से ओपन कर लीजिएगा। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर बनाइएगा सर्च लिस्ट का एक बॉक्स, जिससे पता चले कि हाँ सर्च लिस्ट का आप लोगों को है यहां पर बॉक्स बना है। तो मैं यहाँ पर सर्च लिख दे रहा हूँ सर्च लिस्ट। इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस एफ टू यहाँ से प्रेस कर दे रहा हूँ। यहाँ से कंट्रोल प्लस एफ टू से यह पता चलेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक का यूज करना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा से इतना बना ले रहा हूँ और इसमें क्या कर रहा हूँ, टाइपिंग थोड़ा सा कर दे रहा हूँ संस्था का नाम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देवराज सीवा। इतना टाइप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से बोल्ड करना है। थोड़ा सा इसको मैं सजा यहाँ पर बड़ा लार्ज कर दिया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सेंटर में करके और इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से जो भी कलर चाहते हैं वह कलर यहाँ से यूज कर लीजिएगा। चलिए इसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेम कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूँ जिसमें हमें सर्च करना है। तो या तो बाहर बना लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से सर्च करना है का एक लिस्ट हम बना ले रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सर्च लिस्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको लॉर्ड बड़ा कर दे रहा हूँ। सर्च लिस्ट हो गया, इसको भी हम कलर दे दे रहे हैं थोड़ा से, ये भी खूबसूरत लग जाए। इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर कुछ नेम जो है टाइप करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और लार्ज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या करता हूँ, नेम जो है टाइप कर लेता हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम यहाँ पर नेम टाइप कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही लंबा टाइप हो गया नाम। यहां पर क्या करना है, यहां पर फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं, थोड़ा से यहां पर देखिएगा आप लोग। यहां पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं यहां पर इक्वल। यहां पर इक्वल करेंगे इफ कोष्टक ऑन, ये इतना आप लोगों को कंडीशन करना है। इसके बाद यहां पर लॉजिकल टेस्ट दे रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट की जगह हमें फार्मूला लगाना क्या है,
नंबर। एक एक चीज और देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा फास्ट कर सके, यहां पर इज लिखिएगा, इसके बाद एन लिखिएगा, एन लिखिएगा, तो यहां पर देखिए एन यू, तो यहां पर देखिए ये इज नंबर आ गया। तो इससे आसान तरीका है, टाइप न करना पड़े तो टैब बटन दिया जाता है आपके कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होता है, तो वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका टाइप अपने आप होकर के यहाँ पर आ जाने वाला है, आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। यस, तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर अपनाने वाले हैं आप लोग। इसके बाद क्या करना है, फार्मूला लगाना है यहाँ पर, सर्च क्या करना है, सर्च टाइप करना है। मैं यहाँ पर सर्च टाइप कर दिया, कोष्ठक ऑन कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट ढूंढने का टेक्स्ट मतलब यूज कहाँ करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च एक लिस्ट बनाया हुआ हूँ, तो इसमें मुझे ढूंढना है, तो यह लिखा गया A10। क्या करेंगे, A10 वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर A10 वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या करना है आप लोगों को, है कॉमा देना है। इसके बाद विद इन टेक्स्ट मतलब ये नेम कहां पर टाइप है आपका, तो मैं नेम C13 में यहां पर टाइप कर रहा हूं, क्या करूंगा C13। आप लोग क्या करना है, टाइप करना है कोष्ठक ऑफ करना, फिर से कोष्ठक ऑफ, दो बार कोष्ठक ऑफ करना है ऑफ। इसके बाद लगाना है मैक्स, सबसे मैक्स मतलब होता है अधिक संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे मैक्स इसमें यूज करना है, क्योंकि अधिक से अधिक मुझे वैल्यू इसमें चाहिए, तो मैक्स कोष्ठक ऑन करना है। इसके बाद मुझे कंडीशन देना है, एक कंडीशन प्लस दे रहा हूं, प्लस एक कंडीशन और चाहिए। इसमें कौन सा कंडीशन आप लोगों को लगाने वाले हैं, तो जिस जिस एरिया में यहां पर मैं फार्मूला लगा रहा हूं उसके जस्ट ऊपर का मुझे लगाना है, क्योंकि उससे प्लस एक वैल्यू मुझे एक और ऐड करना है नीचे की तरफ ड्रैग करके। तो कैसे करना है यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, तो यहां पर क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर वाला B12 में लिखा गया, तो क्या करेंगे यहां पर B12। इसके बाद अनुपाते दीजिएगा, फिर से क्या करना है B12 टाइप करने के बाद यहां पर देना कोष्ठक ऑफ प्लस वन, इतना कंडीशन आपको देने के बाद क्या करना है कॉमा 0 और कोष्ठक ऑफ। इतना ही अभी कहानी नहीं खत्म हो रहा है, यहां पर क्या करना है, जो मैक्स के बगल में लिखा गया है B12, इसको लॉक भी करना है। तो लॉक करने के लिए आप लोगों को कीबोर्ड में सबसे ऊपरी बटन पर दिया रहता है F4, उसका नाम है आप लोगों के यहाँ पर फंक्शन की। तो यहाँ पर क्या कर रहेंगे, तो फंक्शन की के ये 4 बटन से आप लोग इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको डॉलर मिल जाएगा, तो डॉलर आजकल रुपया बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो डॉलर पर क्या करेंगे, जब डॉलर आप लोगों को सिंबल दिख जाएगा तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला लग चुका है। इसके बाद क्या करना है, एंटर कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया 1। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको यहां से ये देखिए सिंबल प्लस 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 कंफ्यूजन में ज्यादा कर रहा है, या प्लस जो है एक्टिव कराने के लिए सिंबल आता है, ऐसे एक्टिव कराने के लिए होता है, और यह सिंबल जो होता है मूव कराने के लिए होता है, ऐसे मूव करा सकते हैं यहां से यहां तक, और यह एक सेल होता है इसका नाम है ऑटो फिल। यह आप लोग यहाँ पर कुछ नए नए ट्रिक जान रहे हैं, तो यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर यह वाला जो प्लस का सिंबल है यहाँ पर इसका नाम एक्टिव है, तो मुझे एक्टिव ही चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जहां फार्मूला लगाया हूं यहाँ पर क्लिक करके इसको यहां से ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाने वाला 22 तक। इसके बाद अगर न समझ में आए, ड्रैग करना न आए, तो इसके लिए एक और आसान ट्रिक है, क्या करना है, यहां पर क्लिक करने के बाद जब ऑटो फिल का सिंबल दिखे, बस यहां पर दो बार ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक आप लोग यहां पर क्लिक कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर रिजल्ट दे देने वाला है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर कंडीशन दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा से यहाँ पर जूमिंग कर लिया आप लोगों को। जैसे यहाँ पर मुझे यूज करना है, मान लीजिए S, एंटर कर दिया,
यस से यस इंटर कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर ओ टाइप कर दिया, तो ओ से देखिए मुझे रिजल्ट इसमें नहीं मिला, ओ एक भी नहीं वर्ड है इसमें, देखिए एक वर्ड है इसमें भी है, लगभग में सब में है ओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक और दूसरा ढूंढ ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर जी, तो यहाँ पर जी भी सब में है, एक कंडीशन और लगा दिया, यहां पर मान लीजिए एम आपका हो गया, तो एम वाला यहाँ पर छूट गया है, ये देखिए लॉक नहीं हुआ है, इसको लॉक करना, इसीलिए ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये फोर से लॉक कर देंगे फार्मूला को, देखिए छूट गया है इसीलिए आपका नहीं ले रहा है। यहां से ये फोर क्या करेंगे, लॉक करके यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर से यहां से डबल क्लिक कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट आपका सही आप देने वाला है। अब देखिए ईएम टाइप कर रहा हूं, तो यहाँ पर ईएम तो दे रहा है, लेकिन ईएम इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, फिर से इसमें है, यहाँ पर भी है इसमें भी है, तो लेकिन यहाँ पर ईएम है नहीं मिलने वाला इसमें, इसलिए यह जितना आपको एम जिस वर्ड में रहेगा उसको यहाँ पर देने वाला, तो आपको 12 जो मैं 22 लिखा था उसमें से 12 आपको एम यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह सर्च करके यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर भूल गया था, इसलिए यह फॉर्मूला यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इक्वल इज नंबर सर्च क्वेश्चन ऑन, यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट फिर विद इन टेक्स्ट, यहाँ पर या विद इन टेक्स्ट हो गया, फिर फाइंड यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट को यहाँ पर लॉक कर लेना है, ध्यान रखिएगा फाइंड टेक्स्ट को लॉक करना है, इसके बाद यहाँ पर विद इन टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैक्स संख्या दीजिएगा, यहाँ पर जो है नंबर या नंबर के जस्ट ऊपर वाला लगा करके फिर लॉक करना है, फिर इसी को क्लिक करके उसमें एक और वैल्यू जोड़ना है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लस एक वैल्यू जोड़ करके यहाँ पर कॉमा दे करके जीरो लगा के क्वेश्चन ऑफ कर देंगे, ये आपको रिजल्ट सही देने वाला है। इसके बाद यहां से पकड़ के आप लोग ड्रैग करना जरूर न भूलिएगा, तो ड्रैग नहीं करेंगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ये बड़ा कर दे रहा हूं, इसमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ इरोर, और यहां पर लगाएंगे विल लुकअप, विल लुकअप का अगर आप लोग नई फार्मूला देखे हैं तो मैं एक कैश मेमो का वीडियो बनाया हूं विल लुकअप का, और वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आपको आई डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन पे भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों यहाँ पर देखिए यह वी लुकअप दिया है, वी लुकअप पर इसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछ रहा, तो मुझे लुकअप वैल्यू नहीं यूज करना, मुझे यूज करना है रोज, यहाँ पर क्या करना है रो आर ओ डब्ल्यू एस जरूर लगाइएगा, यहाँ पर रोज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक ऑन कर देना है, फिर इसके बाद पूछ रहा है एरिया कौन सा है, तो एरिया हमारा कौन सा है, यहाँ पर चंदन, तो चंदन इसमें जो है C13, तो यहां पर यूज करना है C13, फिर यहां पर इसको लॉक करना है, यह चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुपाते लगाएंगे तो यह आपको फिर से यहां पर क्लिक करना है, अनुपाते लगाने के बाद फिर से एरिया देना है, कि क्योंकि एक एरिया लाग रहा है और एक एरिया नीचे की तरफ ड्रैग हो जाए, यह ध्यान में रखना है आप लोगों को। कोष्टक ऑफ करने के बाद यहां पर लगाना है कॉमा, इसके बाद लिखना है क्या लिखना है, कहां से यूज करना है, तो यहां पर टेबल अरे पूछ रहा है, तो टेबल अरे मेरा यहां से यहां तक होता है, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, पूरा पूरा टेबल जो है सेलेक्ट कर रहा हूं, यह पूरा पूरा यहां पर टेबल आपको, तो टेबल आपका पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यह वाला जो है यह फर्स्ट वाला यहां से क्या करेगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, क्या करेंगे या लॉक कर देंगे या तो टेबल है तो छोड़ दीजिएगा टेबल पूरा पूरा। इसके बाद क्या करना है, यहां पर कॉमा किस कॉलम इंडेक्स नंबर का आपका यूज करना है, तो मुझे 2 नंबर का यूज करना है, यहां पर यह आपका 1 नंबर हो गया और यह आपका 2 नंबर का हो गया, मुझे टेक्स्ट को ढूंढना है, तो टेक्स्ट आपका 2 कॉलम में है, तो क्या करेंगे 2,0 कोष्टक ऑफ, इतना आप लोगों को यूज करना है, फिर से क्या करेंगे कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा सॉरी डबल इनवर्ट कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल इनवर्ट कॉमा आप कोष्टक यहां पर ऑफ कर देंगे, और रिजल्ट आपको मिलने वाला है चंदन कुमार,
और यहां से मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दिया और ये बाहर चला गया। मैं इसको सही कर ले रहा हूं। ये आपका यहां से ये आपका ये हो गया कंडीशन, ये आपका थोड़ा सा छोटा हो गया और ये यहां से आ जाएगा। ये इसके बाद ये आपका चंदन कुमार आ गया। फिर इसके बाद यहां पर क्या करना है, फार्मूला सेम रहेगा लेकिन आप इसको पकड़ के ड्रैग करता है तो यहां पर देखिए जितना भी एम इसमें से मिल रहा है इसको है वह आपको यहां पर रिजल्ट दे रहा है। जैसे यहां पर चंदन कुमार में एम है, मोहित कुमार में एम है, यहां पर अमित, और जैसे कि मान लीजिए मैं यहां से टाइप कर गया जी, तो जी में देखिए वल्ली गोलू ही आ रहा होगा कहीं, तो गोलू आ गया। मान लीजिए एल अगर टाइप कर दूं तो एल में आप देखिए राहुल आ गया, राहुल यादव आ गया, विशाल यादव आ गया, सालू आ गया, गोलू आ गया, दोनों आ गए। तो यहां पर एल जितने वर्ड हैं इसमें से एल वाले को सबको छांट करके यहां पर आपको रिजल्ट दे रहा है। अब इसमें से मुझे एक अगर वैल्यू चाहिए, जैसे कि ढूंढना है, ढूंढ करके देना एक वैल्यू को है, तो उसके लिए भी फार्मूला यहां पर लगाने वाला हूं मैं। यहां पर क्या करना है, इक्वल ऑफसेट, क्या करना है ऑफसेट रिफरेंस, तो रिफरेंस में आपको यहां से देना है जिसमें अभी फार्मूला लगा के निकला हूं। तो फार्मूला ये आपका है टू डी 13। यहां पर करने के बाद ये F4 बटन से इसको लॉक कर देना है। इसके बाद क्या करना है, तीन बार आप लोगों को कॉमा लगाना है, 1 2 3। इतना करने के बाद यहां पर लगाना काउंट इफ, क्या करना है काउंट इफ। यहां पर करने के बाद आप लगाएंगे फिर से वही एरिया और उसको क्या करेंगे लॉक करना है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। और लॉक करने के बाद अनुपाते दीजिएगा, और ये देखिए आपका अनुपाते जैसे मैं दिया यहां पर, ये आपका लॉक जो है हट चुका है। तो क्या करिएगा, इस एरिया को यहां से यहां तक का आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जहां तक आप लोगों को फार्मूला लगा है। इतना करने के बाद इस एरिया को लॉक करना न भूलिएगा, अगर नहीं लॉक करेंगे तो ये आपका कंडीशन नहीं लगने वाला है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहां पर क्या देना है, कॉमा और डबल यूनिट कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये जरूर यहां पर क्राइटेरिया पूछा जा रहा है तो यूज करना है। और यहां पर मल्टीप्लिकेशन का यहां पर सिंबल दे दीजिएगा डबल यूनिट कॉमा, और फिर यहां से डबल कोष्टक बंद करके एंटर मारेंगे तो ये राहुल यादव पहला रिजल्ट आपको यहाँ पर देने वाला है। यह थोड़ा सा एरिया भाग रहा है तो इसको हम थोड़ा से यहाँ से सही तरीके से इसको सही करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे और फिर से इसको मर्ज कर देंगे यहाँ पर, सॉरी मर्ज नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ से ले करके फिर इतना ही मर्ज करिएगा आप लोग, और इतना ही मर्ज कर देंगे तो ये आपका यहाँ से यहाँ सही हो जाएगा। और इसको यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से नो फिल कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ से नो रहेगा तो ये आपका व्हाइट रहेगा तो सही रहेगा आपका। ये देखिए आपका इतना सही एडजस्ट हो गया। और इसको बढ़ाना टेक्स्ट पे चाहते हैं तो ये सारी आप लोग यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया आपका सर्च लिस्ट। तो यहाँ पर मैं सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे आप चाहिए राम, तो राम में अब देखिए राम किशन भी आ गया, राम केस भी आ गया, रामेश यादव भी आ गया। तो आपको कौन क्या चाहिए, रमेश या राम किशन या रामकेश, तो यहां पर जो भी चाहिए, तो यहां पर राम अगर यहां पर रमेश चाहिए तो मैं लिखता हूं रमेश, तो यहां पर रमेश आपको रिजल्ट है यह मिल जाएगा यहां पर। तो यह रिजल्ट आपको आए तो यहां पर अगर बनाना है टास्क तो ऐसे करिएगा यहां पर, और यहां पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर नंबर, और यहां पर थोड़ा से मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूँ बड़ा लार्ज, और यहां पर दे दे रहा हूँ नेम, और यहां पर सर्च नेम, सर्च नेम क्या करेंगे, सर्च नेम, इसके बाद यहाँ पर लिस्ट, ये आपको रिजल्ट दे देंगे RESULT रिजल्ट लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे इसको, और कलर आप लोग थोड़ा से यहाँ पर इसको बोल्ड कर लीजिए, बॉर्डर कर लीजिएगा, और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं आप लोग, है यहाँ से कलर भी आप लोग चॉइस अपनी इच्छा अनुसार कर लेते हैं। यहाँ से ये आपका कलर हो गया,
यहाँ से ये देखिए खूबसूरत सा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी सर्च मारेंगे यहाँ से, ये यह ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल जाने वाला है यहाँ पर रिजल्ट आपको। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू।